सोलन के राजगढ़ रोड पर शांति के समीप गुरुवार सुबह एक ट्रक पानी से भरे गड्ढे में धंस गया। इससे करीब 3 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। घटना सुबह 7:45 की है। चंडीगढ़ से खाद लेकर निकला ट्रक बस को पास देते हुए खुद गहरे गड्ढे में घुस गया। इसके बाद ट्रक ड्राइवर एवं आसपास के लोगों ने क्रेन मंगवाई, लेकिन दोनों तरफ ट्रैफिक होने के कारण ट्रक को निकालने में परेशानी हुई। सुबह करीब 10 बजे जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो ट्रैफिक पुलिस को मौके पर भेजा गया। इसके बाद पुलिस द्वारा जाम को खुलवाया गया। ट्रक ड्राइवर अली ने बताया कि सड़क किनारे गाड़ियां पार्क होने और मोड़ तंग होने के चलते यह घटना हुई। और शाम के से इधर वो बस वाले से पास लेने चक्कर में पानी भर रखा है गड्ढे में, और गड्ढे बहुत बड़े थे। पानी भरने पर पता कुछ लगा नहीं, तो गाड़ी में टेढ़ी हो गई गाड़ी, और बगल में गाड़ी खड़ी है, बताओ जगह है नहीं इतना। क्या भाई साहब, रोडू जा रहे हैं। अच्छा, रोडू जा रहे हैं। तो ये किस टाइम हुआ? ये सुबह 7:45 की बात है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट।